विचार सांझे करन मानयोग प्रधानमंत्री जी। मंच पर विराजमान पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री नड्डा जी, हरसिमरत जी, विजय सांपला जी, पंजाब के युवा उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुखबीर जी, पंजाब सरकार के मंत्री श्रीमान सुरजीत जी, सांसद श्रीमान बलविंदर जी, यहाँ के विधायक श्रीमान स्वरूपचंद सिंगला जी और विशाल संख्या में पधारे पंजाब के बहादुर भाई और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला है। पिछले महीने लुधियाना आया था, तभी मैंने कहा था कि समय अभाव से मैं बठिंडा नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन जल्द से जल्द मैं बठिंडा आऊंगा और आज वो वादा मैं पूरा कर रहा हूं। देश के विकास में रोड बने, एयरपोर्ट बने, रेल चले, इसका जितना महत्व है उससे भी ज्यादा सामान्य नागरिकों के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें स्कूल हो, अस्पताल हो, गरीब से गरीब की सेवा हो, गरीब से गरीब को शिक्षा मिले, तब जाकर के समाज ताकतवर बनता है। और आज भारत सरकार और पंजाब सरकार मिलकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के, गांव, गरीब, किसान, दूर सुदूर के इलाके, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, जहां बिजली नहीं बिजली पहुंचे, जहां पानी नहीं पानी पहुंचे, जहां अस्पताल नहीं वहां अस्पताल बने, जहां स्कूल नहीं वहां स्कूल बने, उस काम पर बल दे रही है। और उसी के तहत आज बठिंडा में 925 करोड़ रुपए से ज्यादा, करीब करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से एम्स का निर्माण होने जा रहा है। ये एम्स सिर्फ बीमारों की ताकत इस एम्स की योजना में बनी हुई है। कितना बड़ा भला होगा इस इलाके का, मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसकी विस्तार से चर्चा की है। और जैसे बादल साहब कहते थे उद्घाटन की चर्चा, इस सरकार का स्वभाव है जिस काम का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हमारे ही कार्यकाल में करते हैं, वरना पहले सरकारें चुनाव आते ही हर गली मोहल्ले में जाकर के पत्थर खड़े करके आ जाते थे, लोगों को समझा देते थे होगा वो होगा और बाद में भूल जाते थे। हम तो योजना बनाते हैं तो पूछते हैं बताओ भाई किस तारीख को पूरा करोगे, और तब जाकर के देश में गति आती है। और इन दिनों तो मैंने देखा है भारत सरकार प्रोजेक्ट जो लेती है उसकी जो तारीख तय करती है और फिर बनाने वालों में स्पर्धा खड़ी हो जाती है,
कुछ लोग तो समय से पहले पूरा करते हैं और ऐसे लोगों को मैं पुरस्कार भी देता हूं ताकि देश में जल्दी काम करने की आदत बन जाए। भाइयों बहनों, पाकिस्तान यहां से दूर नहीं है। सीमा पर रहने वाले, सीमा पार से होने वाले जुल्म सहते रहते हैं। सेना के जवान, सीने में दम हो, हाथ में हथियार हो, उसके बावजूद भी अपने पराक्रम नहीं दिखा पाते। उनको सहन करना पड़ता है। भाइयों बहनों, हमारी सेना की ताकत देखिए। 250 किलोमीटर लंबे पट पे जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान के पड़ोस में आज खड़ा हूं, तब सीमा पर खड़ा हूं, तब मैं फिर एक बार पाकिस्तान की अवाम से बात करना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान की अवाम से कहना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान है, यहां के 125 करोड़ देशवासी है। जब पेशावर में बच्चों को मार दिया जाता है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंख में आंसू टपकते हैं। आपका दर्द हर हिंदुस्तानी को भी अपना दर्द लगता है। पाकिस्तान की आवाम तय करे, उनके हुक्मनारों से जवाब मांगे। अरे लड़ना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो काले धन के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो जाली नोट के खिलाफ लड़ो, अरे लड़ना है तो गरीबी के खिलाफ लड़ो। ये भारत के साथ लड़ाई लड़के खुद को भी तबाह कर रहे हो और निर्दोषों का मौत के गुनहगार बनते चले जा रहे हो। और इसलिए पाकिस्तान की आवाम भी गरीबी से मुक्ति चाहती है। कोई कारण नहीं है अपने राजनीतिक उल्लू सीधे करने के लिए यह तनाव का माहौल बनाए रखा जाता है। और अब पाकिस्तान ने देख लिया है भारत की सेना में दम कितना है, हमारे फौजियों की ताकत कितनी है, अब परिचय करवा दिया है। भाइयों बहनों, इंडस वाटर ट्रीटी, सतलज, ब्यास, रवि, ये तीन नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, ये मेरे किसान भाइयों के हक का पानी है। वो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समंदर में बह जाता है। न पाकिस्तान उसका उपयोग करता है, न हिंदुस्तान के किसान के नसीब आता है। मैं एक बड़ी मक्कमता के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृतसंकल्प। भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं है हम हमारे हक का भी इस्तेमाल न करें और मेरा किसान पानी के बिना तरसता रहे। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों,
आपके खेतों को भी लबालब पानी से भरने का इरादा लेकर के मैं चल रहा हूं भाई। पानी की समस्या के समाधान है, मिल बैठ करके रास्ते निकल सकते हैं। पाकिस्तान में पानी चला जाए और दिल्ली में सरकारें आई चली गई सोती रही और मेरा किसान रोता रहा, भाइयों बहनों, और पंजाब के किसान को तो अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करके देश की तिजोरी भर देता है, देश का पेट भर देता है। उस किसानों की चिंता करना, उनको हक दिलाना, ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार भी बादल साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली सरकार है। भाइयों बहनों, मैं आज किसानों से एक बात आग्रह से करना चाहता हूं। कोई ये तो कहेगा कि मोदी को राजनीति आती नहीं है, चुनाव सामने है और किसानों को ऐसी सलाह देता है। मेरे किसान भाइयों बहनों, मुझे चुनाव के गणित से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो मेरे किसान का भला हो यही मेरा हिसाब किताब है। आप मुझे बताइए मेरे किसान भाइयों बहनों, आज से पहले जब हमें पूरा ज्ञान नहीं था, खेतों में फसल काटने के बाद हमारी जो पराली रहती थी उसको हम जला देते थे, तब हमें ज्यादा ज्ञान नहीं था, हमको लगता था कि इसके कारण खेत बर्बाद हो रहा है, जला दो, कभी जल्दबाजी रहती थी इसलिए जला दो। लेकिन अब विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जिस खेत में जो फसल होती है उसकी फसल काटने के बाद जो वेस्टेज निकलता है, पराली कहें कुछ भी कहें, वो उस खेत में जो धरती माता है उसका उत्तम से उत्तम खुराक होता है। अगर उसी को एक बार मशीन घुमा दे, ट्रैक्टर घुमा दे, जमीन में गाड़ दे, तो वो आप ही के खेत की, वो धरती माता की अच्छे से अच्छी खुराक होती है। मेरे किसान भाइयों बहनों, जैसे धरती मां को पानी की प्यास लगती है, वैसे धरती मां को भूख भी लगती है, उसको खाना भी चाहिए। ये परारी अगर उसके पेट में फिर से डाल दोगे तो ये धरती मां आपको आशीर्वाद देती है, उससे 10 गुना आशीर्वाद देगी और आपका खेत फले फूलेगा भाइयों बहनों। और इसलिए इसको जलाओ मत, ये आपकी संपत्ति है, अरबों खरबों रुपयों की संपत्ति मत जलाओ। और मैं सिर्फ पर्यावरण के नाम पर बातें करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो सीधा सीधा किसान की भलाई की बातें करने वाला हूं। और इसलिए पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, उत्तरी राजस्थान हो, हम ये पराली न जलाएं। और अब तो विज्ञान आगे बढ़ रहा है, ये वेस्टेज में से इथेनॉल बनने की संभावनाएं सामने नजर आ रही है, भारत सरकार उस पर बड़ा तेजी से काम कर रही है, आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को उसका लाभ मिलेगा। और जब लाभ मिलेगा तो पराली से भी पैसा आएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज से संकल्प करो, हमारी धरती माता का हक का जो खाना है उसको हम जला नहीं देंगे, उसको उसी जमीन में गाड़ देंगे, वो खाद बन जाएगा, मां का पेट भी भरेगा, उत्तम फसल भी होगी जो देश का भी पेट भरेगा। और इसलिए मैं आपसे आज आग्रह करने आया। भाइयों बहनों, आप जानते हैं भ्रष्टाचार ने, काले धन ने इस देश के मध्यम वर्ग को लूटा है, उसका शोषण किया है।
और भ्रष्टाचार काले धन ने गरीबों को उसके हकों से वंचित रखा है। मुझे मध्यम वर्ग का शोषण बंद करवाना है, उनके लिए लूट जो हो रही है वो लूट बंद करवानी है, और मुझे गरीबों का जो हक है वो हक दिलवाना है। कुछ भी काम करो, बच्चे को स्कूल ले जाना है तो भी स्कूल वाला कहता है चेक से इतना लेंगे, कैश में इतना लेंगे। जमीन खरीदनी है बोले कैश से इतना लेंगे, चेक से इतना लेंगे। अस्पताल डॉक्टर के पास जाना है, कैश इतना दो, चेक इतना दो। ये काला कारोबार देश को दीमक की तरह खाता चला जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, 500 हजार रुपए की नोट पर प्रतिबंध लगाया है, नई नोट धीरे धीरे आने वाली है, और देश की जनता ने जो तकलीफ झेली है, कठिनाई झेली है, भाइयों बहनों, करोड़ों करोड़ों देशवासियों का शुक्र गुजारने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इतना आपने कष्ट झेलने के बाद भी इस अच्छे काम के साथ आप खड़े रहे हो, ईमानदारी के काम के साथ खड़े रहे हो। भाइयों बहनों, कठिनाइयों का रास्ता भी है, और उस रास्ते के लिए मैं आपकी मदद चाहने आया हूं। आपका जो पास मोबाइल फोन है, वो सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है, आपके मोबाइल फोन को आप अपनी खुद की बैंक बना सकते हो, आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। एक भी रुपये का कैश नोट न हो तो भी आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं, हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। हमारे देश में जितने परिवार हैं उससे चार गुना टेलीफोन है हाथ में लोगों के, मोबाइल फोन है, आज मोबाइल बैंकिंग चलता है। भविष्य में भी भ्रष्टाचारियों को फिर से अगर उठने नहीं देना है, काले धन वालों को उठने नहीं देना है, तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही बैंक का ब्रांच बना दो। मोबाइल फोन पर बैंकों के ऐप होते हैं, उसको डाउनलोड करिए। मैं नौजवानों को कहूंगा, यूनिवर्सिटीज को कहूंगा, राजनेताओं को कहूंगा कि अपने इलाके में नागरिकों का प्रशिक्षण करें, व्यापारियों को शिक्षा करें, हर एक के मोबाइल में अगर ऐप आ गया तो मैं जिस दुकान में जाऊंगा उसको कहूंगा कि मेरे पास ये ऐप है, मुझे 200 रुपये का सामान चाहिए, आप मोबाइल फोन में नंबर लगाइए, 200 रुपया एक सेकंड में उसके पास चला जाएगा और वो देखेगा हाँ मेरा 200 रुपया आ गया, आपका काम हो गया। भाइयों बहनों, अब वो जमाना चला गया कि जेब में नोटे भर भर करके जाना पड़े, चोर लुटेरों का भी कोई भय नहीं। भाइयों बहनों, जाली नोट इसने हमारे देश के नौजवानों को तबाह किया। मेरे देश के नौजवानों को बचाने के लिए जाली नोटों का भी खात्मा करना ये समय की मांग है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप पूरी समर्थन दे करके ये देश को महान बनाने का जो अभियान चला है, उस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर के चलिए, हर किसी की मदद कीजिए,
और हमारे पंजाब को आगे ले जाइए। ये पंजाब का सौभाग्य है कि बादल साहब जैसे ऐसे एक महान नेता पंजाब की धरती पर है। ये देश इस बात का गर्व करता है, जब हिंदुस्तान के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर की चर्चा होती थी तो कहा जाता था भारत का सबसे यंगेस्ट को मुख्यमंत्री है तो प्रकाश सिंह बादल है, और आज हिंदुस्तान में सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री कौन की चर्चा होती है तो वो भी प्रकाश सिंह बादल है। इतने लंबे अरसे तक जनता जनार्दन का एक व्यक्ति के प्रति विश्वास, ये कितना बड़ा तपस्या का रास्ता है जो हम सब अनुभव करते हैं। आइए भाइयों बहनों, पंजाब के भाइयों बहनों, पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए ये दिल्ली आपके साथ है, दिल से आपके साथ है, मिलकर के चलना है, नया पंजाब बनाना है, ताकतवर पंजाब बनाना है, यहाँ के नौजवानों के जीवन को बदलने वाला पंजाब बनाना है, और एम्स से एक नया चैप्टर खुल रहा है जो स्वस्थ पंजाब की दिशा में एक महरूम कदम होगा। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बादल साहब का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मैं हुण बेनती करदा माननीय पंजाब के मुख्य